30 तारीख से मिल जाएगी या 1 तारीख से मिल जाएगी। मैं बता दूं आपको कि 30 तारीख को आंदोलन का दिन है, 30 तारीख को हमारी परमिशन है एक दिवसीय धरने की जंतर मंतर पे। तो 30 धन के जो नेता होते हैं, अब नेता का नहीं जाएगा, अब जनता का सिग्नेचर जाएगा और देखते हैं जनता टाइम भी देगी इनको। आंदोलन से पहले हम इनको टाइम देंगे कि भाई इस काम को इतने समय में कर दो, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हो चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, दोनों से हम कहेंगे तूफान तूफान तूफान। कहते हैं जब तूफान आता है तो उससे पहले घनघोर शांति हो जाती है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो तूफान आने वाला है, ये जो मुद्दे का तूफान आने वाला है, ये जो पेंशन का तूफान आने वाला है, जो ईपीएस 95 के लिए आंदोलन का तूफान आने वाला है, जो बुजुर्गों के सम्मान में आंदोलन का तूफान आने वाला है, जो वृद्धा पेंशन के आंदोलन का तूफान आने वाला है, उससे पहले चारों ओर शांति हो गई है। शांति इसलिए हो गई है कि सब लोग ये बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि क्या होगा, क्या हमें हमारा हक मिलेगा, क्या हमें हमारी जो पेंशन मिलेगी, क्या बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। ये इस तरह के सवाल आ रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। मेरे पास लोग कह रहे हैं कि कब मिलेगी, कब से मिल जाएगी, क्या 30 तारीख से मिल जाएगी या 1 तारीख से मिल जाएगी। मैं बता दूं आपको कि 30 तारीख को आंदोलन का दिन है, 30 तारीख को हमारी परमिशन है एक दिवसीय धरने की जंतर मंतर पे। तो 30 तारीख को मिल जाएगी ये बात नहीं है, लेकिन 30 तारीख से आगाज हो जाएगा और आगाज शानदार होना चाहिए, क्योंकि आगाज अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा होता है। तो आगाज जानदार होना चाहिए, शानदार होना चाहिए। 150 की परमिशन है, 1500 होने चाहिए। पिछली वीडियो 10,000 के करीब लोगों ने देखी, उन सबका धन्यवाद, उन लोगों ने शेयर किया। तो इस वीडियो में भी मैं कुछ जरूरी बातें शेयर करूंगा और वो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है और हम कैसे शुरू करेंगे इसको। बहुत सारे साथियों ने बोला कि भाई क्या करोगे, कैसे करोगे, क्या तुम्हारी योजना है। तो योजना वही है दिल्ली फतह करने की। दिल्ली फतह तो देश फतह, और दिल्ली फतह करने के बाद जो संदेश जाएगा वो पूरे देश में जाएगा। तो दिल्ली फतह करने के लिए सबसे पहले दिल्ली के एक एक जनमानस को जगाना होगा, क्योंकि दिल्ली का जो अंतर मन सोया हुआ है, दिल्ली के लोग सोए हुए हैं अभी, और दिल्ली के लोगों को जगाना है तो देश के सब लोगों को उठकर दिल्ली के लोगों को जगाना होगा। और दिल्ली के लोगों में दिल्ली में बैठी हुई सरकारें भी हैं, दिल्ली में बैठे हुए सांसद भी हैं, दिल्ली में बैठे हुए मिनिस्टर भी हैं, दिल्ली में बैठे हुए प्रधानमंत्री भी हैं, दिल्ली में बैठे हुए रक्षा मंत्री भी हैं, दिल्ली में बैठे हुए श्रम मंत्री भी हैं। तो दिल्ली ही काली बिल्ली है, मैंने पहले भी बोला, ये दिल्ली ही काली बिल्ली है। और दिल्ली को जगाना है, दिल्ली को जगाना है और बताना है कि दिल्ली, ये बात बतानी है कि बुजुर्गों की वजह से ये जो परिणाम आए हैं, ये बुजुर्गों ने लगातार इस तरह से अपनी नाराजगी दिखाई। कुछ लोग बद्दुआ भी कहेंगे, बद्दुआ दी बुजुर्गों ने, बुजुर्गों के मन से हाय निकली, उसके परिणाम अब बुजुर्गों ने जो वोट की ताकत दिखाई अपनी, उसके भी परिणाम है। आपके वोट की ताकत को अभी और स्ट्रांग करना है और इसके साथ साथ आंदोलन की शुरुआत करने में। बता दूं बहुत लोग आ रहे हैं मेरे पास, अब लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं कि यार इस मुद्दे को उठाओ, इसको आगे बढ़ाओ, हम आएंगे। तो कल करीब 15 से 20 लोगों ने मुझे पूरे देश से बोला कि वो आएंगे। उन सब ने जिन्होंने बोला वो आएंगे, उन सबका शुक्रिया, लेकिन मैं उनको काम देना चाहता हूँ। 20 लोगों के करीब पूरे देश से लोगों ने बोला, दिल्ली में तो बहुत लोग आएंगे, दिल्ली के आएंगे, लेकिन पूरे देश से 20 लोगों ने बोला। मैं 20 लोगों से उम्मीद करता हूं कि वो अकेले ना आए, अपने साथ 4-5 लोगों को लेके आए, नहीं तो 2-3-4-5, क्योंकि कंधे से कंधा मिलाएंगे, हाथ से हाथ पकड़ेंगे, हाथ से हाथ मिलाएंगे, तब जाकर हमारा समूह बनेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि जब आप वहां से चले, आप कलकत्ता से चले, आप भोपाल से चलें, आप इंदौर से चलें, आप मद्रास से चलें, आप मद्रास यानी चेन्नई, आप तमिलनाडु से चलें, आप उत्तर प्रदेश से चलें, आप बिहार से चलें, आप पंजाब से चलें, आप राजस्थान से चलें, आप गुजरात से चलें, आप उड़ीसा से चलें, आप मध्य प्रदेश से चलें, आप छत्तीसगढ़ से चलें, आप तेलंगाना से चलें, आप कर्नाटक से चलें, आप महाराष्ट्र से चलें, आप गुजरात से चलें, आप हिमाचल से चलें, उत्तराखंड से चलें, छत्तीसगढ़ तो मैंने बोल ही दिया, साथ में आप जो अपने 7 स्टेट्स हैं उत्तर पूर्व के, आसाम, मिजोरम, मणिपुर, और आप चाहे वेस्ट बंगाल से हों, चाहे आप त्रिपुरा से हों, चाहे आप नागालैंड से हों, आप चाहे अरुणाचल प्रदेश से हों, आप देश के किसी भी हिस्से से चलें, अकेले ना चलें।
किसी को साथ लेके आएं और यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, और जो यहाँ पे आ गया हम उसको फिर उसके क्षेत्र में काम देंगे कुछ, कि वो अपने क्षेत्र में जाकर अपने को लोगों को जोड़ेगा और आगे करेगा। तो आज जो सफल हो जाएगा दिल्ली में आने से, वो आगे की हमारे संगठन कह लो या जो हमारी समूह की नींव रखेगा, और ये लड़ाई अब पूरे देश में होने वाली है। ये आप सोच रहे हो कि दिल्ली तक महफूज रहेगी, दिल्ली तक नहीं रुकेगी। हम जंतर मंतर से आगाज करेंगे, फिर दिल्ली में शुरुआत करेंगे, NCR में हम कवर अप करेंगे, और पूरे देश में जाएंगे। देश में जाकर एक एक व्यक्ति को बताएंगे किस बुजुर्गों के साथ किस हालात में उनको रहना पड़ रहा है। 700 800 900 रुपए के अंदर बुजुर्गों को अपना जीवन काटना पड़ रहा है, कैसे बुजुर्ग तड़प रहे हैं, और जो नहीं चल पा रहे उनके घर पे जाएंगे। जब हम आपके क्षेत्र में आए तो बस आपसे ये उम्मीद है कि आप हमारे साथ 10 कदम जरूर चलें। तो अगर दिल्ली में जब जाएंगे हम, तो दिल्ली में हम ये कहेंगे, आप दिल्ली में जहां भी रहते हो, मैं उन 1200 लोगों का जरूर कहूंगा जिन लोगों ने मुझे समर्थन किया, मुझे वोट दिया, मैं उन 1200 लोगों को जरूर इन्वाइट करूंगा कि आप भी आ जाएं, हमें सहयोग करें और हस्ताक्षर अभियान में साथ दें। हस्ताक्षर अभियान का मैं बता रहा हूं कि हम यहाँ सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे, और जो भी मेमोरेंडम होगा, जो भी ज्ञापन होगा, उसमें सब लोगों के सिग्नेचर जाएंगे। तो आपके जितने ज्यादा सिग्नेचर होंगे, उतना ज्यादा सरकार को पता लगेगा कि भाई इतने सारे लोग हैं। अभी क्या 4-5 लोग सिग्नेचर करके दे देते हैं, अधिकारी होते हैं या जो अपनी संगठन के जो नेता होते हैं। अब नेता का नहीं जाएगा, अब जनता का सिग्नेचर जाएगा, और देखते हैं जनता टाइम भी देगी इनको। आंदोलन से पहले हम इनको टाइम देंगे कि भाई इस काम को इतने समय में कर दो, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, दोनों से हम कहेंगे। वृद्धा पेंशन की बात हम दिल्ली के मुख्यमंत्री से कहेंगे, और वहीं देश के प्रधानमंत्री से कहेंगे कि EPS 95 के पेंशन की मांग जो लगातार पेंडिंग है, जिस पर लगातार आपने संज्ञान लिया है, लगातार मीटिंगें की हैं, लगातार आपको बताया गया है, लगातार आपने आश्वासन दिए हैं, लगातार आपने तारीखें दी हैं, आपने माना है कि बहुत कम है, और जब सब आप मान रहे हैं, जब सब आप जान रहे हैं, तो कर क्यों नहीं रहे हैं? ये सवाल पूछना बड़ा लाजमी है। क्या इसलिए नहीं कर रहे हैं कि लोग कम हैं, या इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कोई सशक्त आवाज नहीं उठी? तो आवाज भी उठेगी, जोर से दहाड़ लगाएंगे, सब मिलकर आवाज उठाएंगे, और इसके साथ साथ सिग्नेचर कैंपेन के साथ साथ बहुत कुछ डिसाइड होगा। क्या क्या डिसाइड होगा जंतर मंतर पे? जंतर मंतर पे पहले तो हमारा संख्या बल डिसाइड होगा कि हम कितने हैं, उसके बाद हमारा ज्ञापन डिसाइड होगा, उसके बाद सरकार का टाइम टेबल डिसाइड होगा कि कितने समय में सरकार से हम काम कराने के लिए सरकार को समय देंगे, आंदोलन की रूपरेखा डिसाइड होगी, आंदोलन कैसे चलेगा, आगे की रणनीति डिसाइड होगी, और हम सब मिलकर अपने समूह को डिसाइड करेंगे। हम सब ये तय करेंगे कौन से राज्य में, कौन से जिले में कौन क्या काम करेगा और कैसे काम करेगा, और जो हमारे साथ आएगा कंधे से कंधा मिलाएगा, शक्ति के साथ खड़ा होगा, हम पूरा संगठन बनकर उसके साथ शक्ति से खड़े होंगे, और पूरी शक्ति और शिद्दत के साथ अगर हम ये काम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। सफलता में अब आशीर्वाद नहीं, आपके आने की भी जरूरत है। बहुत लोगों ने मुझे फोन करके कहा कि मनोज बेटा हमारी इतनी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है कि हम आ पाए, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, लेकिन आप किसी को भेजिए, अपने परिवार से भेजिए, अपने दोस्तों से भेजिए, या जिनका स्वास्थ्य ठीक है उनको भेजिए, और ग्रुप में भेजिए। इस बार अपनी उपस्थिति आप दर्ज कराइए, और जंतर मंतर आपकी उम्मीद, आपको उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। इस बार जो जंतर मंतर पे आंदोलन होगा वो शुरुआत होगी, वो ये नहीं होगा कि एक दिन आंदोलन किया और बंद हो गया, उसके बाद कंटिन्यूस हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा, वो दिल्ली में हो, NCR में हो, देश में हो, कहीं भी हो, रुकेगा नहीं। एक बार जंतर मंतर से बिगुल बज गया तो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि हम पेंशन का काम करा नहीं देते, और इस पेंशन के काम कराने के लिए जो भी करना पड़े लोकतांत्रिक तरीके से, जो भी इसके लिए तरीका निकले, जैसे भी निकले, साम दाम दंड भेद तो मैं नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि लोकतांत्रिक तरीके में जो जायज तरीके हैं उनसे, जिस तरह से दबाव बनाया जाता है सरकार पे, दबाव बनाने से, अगर दबाव से मानती है, दबाव से हाथ जोड़कर मानती है, हाथ जोड़कर चरण वंदना करके मानती है, चरण वंदना कर, और जैसे भी सरकार मानेगी, क्योंकि सरकार मान रही है। अभी नीट का जो आंदोलन हुआ, नीट के मैं बात कर रहा हूँ, तो नीट के आंदोलन में अभी देखो सरकार पर दबाव आया, तो 24 लाख स्टूडेंट्स की बात हुई, तो उन्होंने तुरंत से अभी 4 सदस्यों की कमेटी बना दी जांच के लिए। क्यों बना दी? क्योंकि लोग खड़े हो गए, लोग बात करने लग गए, बुजुर्गों को अपनी जगह पे ही खड़े होकर आवाज लगानी पड़ेगी, आपको वीडियोस को जगह जगह पहुंचाना पड़ेगा, सबको ये पता होना चाहिए कि 30 जून से दिल्ली के अंदर
ईपीएस 95 और वृद्धा पेंशन की जो हुंकार लग रही है, उस हुंकार में, उस हल्की सी तूती की आवाज में अपनी आवाज मिलाएं और नगाड़े की आवाज बना दें इसको। ये जो ढोल छोटा सा जो बज रहा है ना, ढोल मजीरा, उसको नगाड़ा बना दें और ये नगाड़ा ऐसे बजे कि पूरे देश में इसकी गूंज जाए। जैसे और मुद्दे उठ जाते हैं, मैं चाहता हूँ ईपीएस 95 का, पेंशन का मुद्दा, वृद्धा पेंशन का मुद्दा इतनी स्ट्रांग तरीके से उठे, इतनी जानदार शानदार तरीके से उठे कि हर कोई बोलने लगे कि जो ईपीएस 95 की बात करेगा, जो वृद्धा पेंशन की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। ये मैं इसको भाषण मत समझिए, इसको आप ये मत समझिए, ये मेरे दिल की आवाज है और आपके दिल तक पहुंचनी चाहिए। और आप भी छोटी छोटी वीडियो बनाकर, अपनी वीडियो बनाकर डालिए, सोशल मीडिया पर डालिए। सब लोगों को मैं आज एक काम दे रहा हूँ, आप में से जो भी हैं वो कम से कम 30 सेकंड की एक वीडियो या एक मिनट की एक वीडियो रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे मुझे भेजें। अगर आप लोगों की वीडियो में कुछ वजनदार बात हुई, कुछ अच्छी बात हुई या अच्छी लगी हमें, तो हम उसे अपने चैनल पे चलाएंगे। हम चैनल में अपने वीडियोस के साथ आपकी वीडियो भी इंक्लूड करेंगे। आप अपना नाम पता और अपनी एक मिनट में वीडियो बनानी है, अपनी एक मिनट के अंदर आप अपनी बात कहिए, आपकी परेशानी बता सकते हैं, आपका उपाय बता सकते हैं और आपकी मांग रख सकते हैं। तो आप सबसे, मैं आप वीडियो मांग रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि आप सब अपनी एक मिनट की वीडियो मुझे भेजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मैं व्हाट्सएप नंबर फिर से बता देता हूँ, 8375009595। इस नंबर पे भेजिए और मैं उन वीडियोस को रील्स में इंक्लूड करूंगा। आपकी परेशानी, आपकी समस्या को मैं अपने चैनल के माध्यम से, अलग अलग चैनलों के माध्यम से, सब तरफ से मैं उठाऊंगा और जनता को बताऊंगा। आपको क्या लगता है, ये आप लगातार देखते रहिए और देखते रहिए।